अच्छा जी, रेवेन्यू साइकिल में तीन डिपार्टमेंट आर्क जो था, ऑथराइजेशन हो रही थी सेल्स ऑर्डर एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट में, फिर जो कस्टडी थी वो शिपिंग डिपार्टमेंट में हो रही थी, और अकाउंटिंग या रिकॉर्ड कीपिंग में अकाउंट्स और उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल में। बिल्कुल उसी तरह जो तीन मेन डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, वो ये तीन वो सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स को ऑथराइज करता था, या परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेजेस को ऑथराइज करे। उसके बाद वहाँ पे डिस्पैचेस स्टोर में होती थी, आउट वाला गेट स्टोर के अंदर हम उसको कहते थे शिपिंग, ठीक है, वो स्टोर और वेयर हाउस में शिपिंग फंक्शन। आज भी उसी स्टोर और वेयर हाउस में रिसीविंग इन वाला गेट हो जाए तो यहाँ पे कस्टडी हो जाएगी। और उसके बाद जब ऑथराइज हो गई चीज़ें डिलीवर या रिसीव हो गई, इसके बाद अकाउंट्स वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल था, यहाँ पे सेल्स इनवॉइस बनती थी। इस तरह यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर अब अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि अकाउंट्स में अकाउंट रिसीवेबल भी, अकाउंट्स पेएबल भी, और पेरोल के लोग भी हैं। अकाउंट्स पेएबल वाले लोग जो हैं फिर इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, ये वाली सब्सिडरी लेजर्स वाली होना चाहिए। इसको हम री परफॉर्म कैसे करेंगे, टेस्ट करना है ना। आपने इंक्वायर तो कर लिया, पूछ भी लिया, आपने इंस्पेक्ट भी कर लिया, नजर भी आ रहा है, बल्कि आपने ऑब्जर्व भी कर लिया। अब आप कहते हैं, वो कहते हैं सर मैं री परफॉर्म कैसे करेंगे। तो वो री परफॉर्म मैंने कहा कि उसे के कपड़े उतारे हम पहन के खड़े होते हैं, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है हर काम इस तरह करें, या आप उसे कहीं ये गांध देखो मैं चला के देखू चलती भी है कि नहीं चलती, कि तुम्हारे कहीं में ये जंग लगा हुआ है मुझे तो लग रहा है सही नहीं है। तो यू नो बी स्मार्ट बी इंटेलिजेंट, कुछ चीज़ें हर काम मेरे हर बात को लिटरल मीनिंग में भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम ग्लैड इफ यू डू, बट थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और सारी चीजें सो कर, लेकिन कर सकते हैं जी। हाँ अभी तो पता ही नहीं, अभी तो जिस नाम पढ़े अभी तो समझते हैं ना सारी चीजें उसी तरह, अब सारे कंट्रोल्स अभी हम देख रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि कुछ बहुत नया नहीं करने जा रहे, वो स्ट्रैटेजी वही है, टेक्निक वही है जो पहले दिन से हमने बनाई है। रेवेन्यू में भी वही है, परचेज के अंदर भी, इवन पेरोल के अंदर भी वही होगा। तीन डिपार्टमेंट, तीन फंक्शंस और तीन डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर सारी गेम होती है, रेस्ट इज ऑल टेक्निक। और वो सेम रहेगा फ्लो चार्ट। और ये है एक, अब मैं आपको पहले एक रेवेन्यू साइकिल का फ्लो चार्ट, वो बहुत सिंपल था, लेकिन अब चूंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, हम आगे चल गए हैं, अब मैं आपको परचेज साइकिल का फ्लो चार्ट, ये एक लिटरल समझ लें कि वाकई एक सही प्रैक्टिकल फ्लो चार्ट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। इट इज एज कॉम्प्रीहेंसिव एंड एलैबोरेटेड एज इट गेट्स। इसमें सबसे पहली चीज़ आप नोट करेंगे कि रेवेन्यू साइकिल में अगर हम किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र करते थे तो उसमें ये नहीं लिखा था उस फ्लो चार्ट में कि तीन कॉपीज बनानी है, दो बनानी है, चार बनानी है। वो हमने जब नेट्स कंपनी का क्वेश्चन किया वहाँ से सीखा। लेकिन इस दफ़ा इस फ्लो चार्ट में आप देखें, अगर कोई डॉक्यूमेंट बन रहा होगा उसकी जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज हैं और वो कॉपी कहाँ कहाँ जानी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंशनड होंगी, ठीक है। तो ये एक वाकई ये कॉम्प्रीहेंसिव। अगर हमने कोई एसेट खरीदना है, एसेट मीन ये भी एसेट है, बट कोई कैपिटल गुड्स खरीदनी है लाइक मशीनरी बिल्डिंग, तो भी यही साइकिल ही यूज हो रहा होगा इसी तरह ही। सो परचेज साइकिल के अंदर परचेज ऑफ गुड्स, चाहे वो आपकी करंट नेचर के गुड्स हों या नॉन करंट नेचर। और गुड्स के अलावा हो सकते हैं आप सर्विसेज बाय कर रहे हैं, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है कि ये हमारी फैक्ट्री जो है वाइट वॉश करनी है, या ये कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराना है, तो भी यही साइकिल यूज होगा। सो आपने गुड्स बाय करनी है या सर्विसेज बाय करनी है, ये सेम साइकिल यूज होगा। फर्क सिर्फ ये होगा जब आप गुड्स बाय कर रहे होते हैं तो रिसीविंग नोट रिसीविंग आप चेक करते हैं चीज़ें हमने जो ऑर्डर सही है, लेकिन जब आप सर्विसेज ऑर्डर करते हैं तो सर्विसेज में आपको कोई टेंजिबल चीज़ तो नहीं मिल रही, सिर्फ फिर आप ये मैच करेंगे हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ये उसी क्वालिटी की सर्विसेज उसने परफॉर्म करके दी हैं या नहीं दी हैं, तो बस इतना सा फर्क होगा। बट ये साइकिल गुड्स के लिए भी है और सर्विसेज बाय करने के लिए भी, और गुड्स में इन्वेंट्री करंट एसेट्स वाली गुड्स के लिए भी है और नॉन करंट एसेट्स के लिए है, कैपिटल गुड्स के लिए भी। तो ये इसलिए कि ये काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव जो है हमारा ये साइकिल है। अब दूसरी बात, ये तो मैंने बहुत एक आइडियलिस्टिक सी एक सिचुएशन बना के पेश की कि वो वाइट कलर का पेंट चाहिए, स्टोर में वो वाइट कलर का पेंट है ही नहीं है, और अब वो परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज करेगा तो 10 दिन लग जाएंगे परचेज होने में, तो 10 दिन तक आप प्रोडक्शन रोक दीजिए, अब वाइट पेंट आएगा जिस दिन आएगा तो उस दिन फिर काम स्टार्ट होगा। रियल वर्ल्ड में तो ऐसे नहीं होता कि चीज़ बिल्कुल एंड हो जाए और तब रिक्वेस्ट हो और हफ्ता 10 दिन लगे और तब तक वो हाथ पे बैठे हैं, वाइट कलर का पेंट नहीं आ रहा यार, अब सारा कुछ रुका हुआ है।
तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें रीऑर्डर लेवल्स हैं, बफर स्टॉक है, इमरजेंसी स्टॉक है, ये यहाँ से इनिशिएट होता है। स्टोर में जब किसी भी क्वांटिटी का गुड का एक खास लेवल से नीचे चीज चली जाती है जिसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं, और वो सारा स्केड्यूल हुआ होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें, और लीड टाइम होता है उसके अंदर कि हमें 10 दिन में ये रीऑर्डर होता है, तो आप 15 दिन का जब स्टॉक रह जाए तो उस टाइम आपको ये ऑर्डर जनरेट करवा देना चाहिए। तो वो स्टोर के अंदर प्रोडक्शन वाले वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमारा स्टॉक की पोजीशन क्या है, आगे हमने क्या कितने दिनों में क्या चीज़ डिलीवर करनी है। तो ऐसे नहीं होता कि ज़ीरो होने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो जो ही वो वाइट कलर का वेट 15 डेज के तक पहुँचेगा तो ये रिक्विजिशन और परचेजिंग डिपार्टमेंट में ये इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, ताकि 10 दिन का टाइम है वाइट कलर आने में, तो उसके बाद जो है 5 दिन का कम से कम पड़ा हो, प्लस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 5 दिन का स्टॉक हमारे पास हो ताकि प्रोडक्शन ना रुके। तो ये परचेज साइकिल वहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, कि जब हमें चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत है। अब वो बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं होती, उसमें ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो वो रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट भी उसको अप्रूव करता है, स्टोर डिपार्टमेंट भी अप्रूव करता है। अब आ गया काम परचेजिंग, क्योंकि जो चीज़ें खरीदनी है, जिससे खरीदनी है, जिस रेट पे खरीदनी है, इस काम के एक्सपर्ट्स जो हैं, जिस तरह सेल के एक्सपर्ट्स सेल डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, परचेज के एक्सपर्ट्स परचेजिंग डिपार्टमेंट।